बाद वैसे आप सभी लोग आज हम लोग हिंदी में काव्य खंड का जो अपना दूसरा पाठ पढ़ रहे थे, मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कैकेयी का अनुवाद। इस पाठ में प्रथम भाग का अनुवाद व्याख्या सहित हम लोगों ने कल पढ़ा। भरत जी किस प्रकार से अपने आप को दोषी मानते हैं, श्री राम से वो क्षमा याचना करने गए हैं, उनको मनाने के लिए गए हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी घटित हुआ, आपका वनवास हुआ, पिता की मृत्यु हुई, परिवार बिखर गया है, इसका उत्तरदायी वही है। और यहाँ तक वो कहते हैं कि क्या विधाता ने मुझे इसीलिए जन्म दिया था कि मेरी ही माता मेरा विनाश कर दे, मेरी ही माता ऐसे कार्य कर बैठी है जो स्वयं मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। कहते हैं हाँ, इसी अयस के हेतु जन्म था मेरा। कहते हैं हाय, दुख है कि क्या इसी अपयश के लिए, इसी अपकीर्ति के लिए, इसी अयस के लिए ही मेरा जन्म यानी जन्म हुआ था, क्या इसी अपयश के लिए दाता ने मुझे जन्म दिया था। निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। कहते हैं क्या मेरी माता के ही हाथ से मेरा विनाश होना था, माता ने मेरा सब कुछ नाश कर दिया, मिटा दिया है। आगे कहते हैं श्री राम से भरत जी कि मुझसे मैंने ही आज स्वयं फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभिप्सित मेरा। कहते हे प्रभु, हे भाई, हे ज्येष्ठ, आर्य शब्द जुड़ा हुआ है तो ज्येष्ठ श्रेष्ठ। कहते हे ज्येष्ठ, आज मुझे इतना पश्चाताप हो रहा है, इतनी ग्लानि है, इतना खेद हो रहा है, इतना मैं अपने आप को हीन अनुभव कर रहा हूँ कि मैं स्वयं अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ, स्वयं अपना सामना नहीं कर पा रहा। जैसे होता है ना, कभी कभी कोई काम हमसे बिगड़ जाए तो हम लोग अपने ही मन को समझाने में असमर्थ हो जाते हैं, बार बार सोचते हैं कि चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन फिर भी ये आता कि नहीं गलत हुआ, हमने गलती कर दी। ऐसे भरत जी ने तो कुछ नहीं किया था, फिर भी विनम्रतावश, स्वाभिमानवश, जो भी कही सेवावश, भक्ति के कारण, श्री राम के प्रति अनन्य प्रेम के कारण वो कहते हैं कि मुझसे मैंने ही आज स्वयं घेरा, हे प्रभु, हे श्री राम या हे अग्रज, आज मुझे इतना पछतावा, इतना दुख हो रहा है अपनी माता की करतूत पर कि स्वयं मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रहा, अपना सामना नहीं कर पा रहा, मुझसे मैंने ही आज स्वयं घेरा। जैसे कहते हैं अपनी ही नज़रों में गिर जाना, ऐसे कहते हैं मैं अपनी ही दृष्टि में गिर गया हूँ, स्वयं को नहीं समझा पा रहा हूँ। हे आर्य, हे श्रेष्ठ, आप ही बताओ मेरी कौन सी अभिलाषा हो सकती है। कहते हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। कहते हे आर्य तुम ही बताओ मेरा क्या अभिप्सित, मेरी क्या अभिलाषा होगी, सब कुछ तो मेरा लूट गया, बर्बाद हुआ, सब कुछ बिगड़ गया, परिवार बिखर गया है, संसार नष्ट हो गया। कहते हैं ना संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर, जिसका जिसका घर उजड़ गया, भाई को वनवास मिल गया, उसके साथ छोटा भाई उठावी नहीं चली, माता ने ऐसा कुछ किया कि स्वयं विधवा हो गई, बच्चों के सिर से पिता का साया छीन लिया, ऐसे में जिसका पूरा घर बिगड़ गया वो कौन सी खुशी की बात चाहे। तो श्री राम ने भरत की यह विह्वलता देखी, अति प्रसन्न हुए, उन्होंने भरत को पकड़ कर गले से लगाया। कहते हैं प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, भरत को तेजी से जल्दी से आगे बढ़ करके भगवान श्री राम ने गले लगा लिया और रोदन जल से सब विनोद उन्हें फिर सींचा। देखिए भगवान श्री राम जो मर्यादा सिंधु हैं, भरत जी की ऐसी पश्चाताप युक्त ग्लानि युक्त बातें सुन करके मन ही मन इतने पुलकित हुए, इतने प्रफुल्लित हुए कि आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं रोदन जल से रो पड़े हैं श्री राम, उनकी आंखों से आंसू आ गए। सब विनोद, विनोद माने प्रसन्नता होती है, उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक आंसू आए आंखों में, भरत जी को भिगा दिया, आंखों से आंसू गिरने लगे। तात्पर्य कि भरत ने उस अपराध की क्षमा मांग ली जो उन्होंने किया ही नहीं है, जो उन्होंने कुछ भी नहीं किया उसके लिए अत्यधिक ग्लानि में है। तो श्री राम ने देखा कि भाई तो इतना द्रवित है, उनको झट से पकड़ कर गले लगाया और रोदन जल से अपने आंसुओं से, रोदन माने रोना, ठीक है, वो अपने आंसुओं के जल से, आंसुओं से भरत को अब सिंचित कर दिया। अर्थात श्री राम की आंखों से आंसू निकलने लगे और श्री राम ने एक वाक्य कहा, वो ऐसा वाक्य है जिस पर ये पूरा पाठ आधारित है। इसी के बाद कैकेयी ने
ज्ञान हुआ। कहीं कहीं को क्या पता था कि भरत मेरे द्वारा इस वरदान में मांगे गए राज्य को अस्वीकार कर देगा। यदि वो जानती कि भरत अस्वीकार कर देगा तो मांगती ही नहीं, लेकिन उन्हें तो ये लगा रहा था मैं माता हूँ, मांग रही हूँ, भरत राज्य लेकर खुश हो जाएगा तो मैंने उसको राजा बनाया। तो उन्हें अपने पुत्र के ही भाव नहीं ज्ञात थे, जबकि वस्तुतः होता क्या है कि हर माता पुत्र के भावों को, संतान के भावों को बहुत अच्छे से समझती है। इसीलिए श्री राम कहते हैं कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, भला कौन है जो उस व्यक्ति के मन के भाव को जान जाएगा जिसे स्वयं उसकी माता ही नहीं जान पाई जबकि माता ने उसे जन्म भी दिया था। कहते हैं जनकर जननी ही जान ना पाई जिसको, जिसे जन्म देने के बाद उसकी माता ही नहीं जान पाई उस व्यक्ति के भावों की थाह किसे मिलेगी। ठीक है, अब जब श्री राम ने कहा कि माता स्वयं नहीं जान पाई तुम्हारे भावों को तो दूसरा कोई कैसे जानेगा, तब तक कैकेयी बोल पड़ी, कहती यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। कहती हे राम, अगर ये सच है, तुम मानते हो कि मैं अपने पुत्र को नहीं समझ पाई, मैंने बचकानी हरकत कर दी, बिना सोचे समझे मैंने यह किया, तो लौट चलो तुम घर को। तो हे पुत्र तुम घर को वापस चलो, अयोध्या लौट चलो। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वरूप, सभी लोग कैकेयी की दृढ़, अटल माने दृढ़ स्वरों को मजबूत गंभीरता से उसने भी जो कहा अपनी बात को, उसे सुनकर सभी लोग चौंक पड़ते हैं। आप देखिए सभी लोग पहले तो ऐसे बैठे थे जैसे सो रहे हैं, श्री राम जब संबोधित करते हैं तो अपने पढ़ा कि सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना, सभी लोग ऐसे सजग हुए, ऐसे चौंक कर जाग पड़े जैसे स्वप्न से जागे हुए हों। और उसी तरह जब कैकेयी अचानक, अभी तक सब राम और भरत की ओर देख रहे हैं कि गले मिले दोनों लोग, राम कुछ कह रहे हैं भरत कुछ कह रहे हैं, अचानक पीछे से कैकेयी बोल पड़ी तो सभी लोगों का ध्यान कैकेयी की ओर हो गया, सब कैकेयी को देख रहे हैं। कहते हैं चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वरूप, सभी लोग कैकेयी की इस दृढ़ आवाज़ को सुनकर चौंक पड़े जब उन्होंने कहा कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, यदि तुम ये मानते हो कि मैं अपने पुत्र को समझ नहीं पाई तो लौट चलो तुम घर को। पुत्र तुम घर को लौट चलो। अब देखिए सबने रानी की ओर अचानक देखा, सभी लोग रानी कैकेयी की ओर अचानक देखने लगे, वही आवाज़ सुनकर सब रानी की ओर ध्यान गया और कैकेयी दिखती कैसी है, वैधव्य तुषारा रूपा यथा विधुलेखा, वो विधवा के रूप में सफ़ेद वस्त्र पहन लिए हैं, उसने श्वेत वस्त्र धारण कर लिए हैं, तो वो ऐसे लगती है जैसे विधुलेखा अर्थात चंद्रमा की किरणों को, चांदनी को तुषार ने, कोहरे ने ढक लिया। देखिए मैं अर्थ लिख दे सामने ना, राम का वियोग नहीं सह पाएगा, फिर भी राम का वियोग मान लिया, मांग लिया, जो जानती
श्री राम इतने मेरे प्रति इतना स्नेह रखते हैं कि मेरी आज्ञा को नहीं टालते हैं, वो उनके कोई कष्ट नहीं देंगे। फिर भी मंथरा के कहते उसमें राम के लिए वनवास मांग लिया। उसे कहीं ना कहीं तो वो यह ध्यान दी थी, उसको यह भी शक था कि शायद अब दशरथ जी ने राम को राजा बनाने का वचन दे दिया था, फिर भी उसने तोड़वा दिया। सिंहनी की तरफ से अडिग रह करके वह सिंहनी शेरनी की तरह जो गई कि वह हाहा गोमुखी गंगा। वो मन ही मन गोमुखी गंगा का क्या है कि गंगा जब बहती है वो हाहाकार करती है, आवाज होती है, ठीक है, गंगा में शब्द होते हैं। ऐसे ही कहते हैं कि मन में भावों के हाहाकार मचे हुए हैं। वो बैठी तो अचल है, एक स्थान पर स्थिर है, लेकिन मन में विचारों की तरंगें उठ रही हैं। और जो शैरणी की तरह दृढ़ की पहलवान थी, अब उसके मन में गंगा की तरह हाहाकार मचा हुआ है। जैसे गंगा के प्रवाह में आवाज है, ऐसे उसके मन में तमाम चिंता है, हाहाकार विचारों की आंधी चल रही है। वो कहती हैं, हाँ जलकर मैंने भरत को नहीं जाना, हाँ जलकर भी मैंने न भरत को जाना। कहती ये सत्य है, हाँ सत्य है कि जलकर जन्म देने के बाद भी मैंने न भरत को जाना, मैंने भरत को नहीं समझा। मेरा पुत्र है फिर भी मैं उसे जान नहीं पाई। और यह सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, कहती है मैं ये बात स्वयं कह रही हूँ। राम से कहती है कि तुमने अभी स्वयं यह माना, तुमने अभी अभी यही बात कही है कि जनकर जननी ही जान न पाई, जिसको जिसे जन्म देकर उसकी माता ही नहीं समझा। कहते हैं ये सत्य है कि जनकर भी जान जनकर भी मैंने न भरत को जाना, कहते हैं मैंने जन्म देकर भी भरत को नहीं जाना, ये सत्य है। हाँ सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, कहते हैं ये सभी लोग जान ले तुमने स्वयं भी राम, तुमने स्वयं अभी अभी इस बात को स्वीकार किया है। कहते हैं यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधी हूँ मैं था तुम्हारी मैया। कहती है हे पुत्र यदि तुम मान गए हो कि मैं भरत को नहीं जान पाई, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। कहते हैं हे भैया, पुत्र को संबोधित कर रहे हैं कि हे पुत्र यदि यह सत्य है, तुम मानते हो कि मैं भरत को नहीं जान पाई, तो तुम वापस मेरे साथ घर लौट चलो। अपराधीन हूँ मैं तात तुम्हारी मैया, हे तात हे पुत्र मैं तुम्हारी माता हूँ, मैं अपराधिनी हूँ। भरत को कष्ट ना दो, तुम्हारे वनवास में रहने से भरत को बहुत कष्ट हो रहा है, इसलिए अब तुम घर लौट चलो। यदि अपराधीन हूँ मैं तात तुम्हारी मैया, हे पुत्र मैं तुम्हारी माता, मैं ही अपराधिनी हूँ। भरत को कोई दोष नहीं है, उसे कष्ट होगा तुम्हारे वनवास में रहने से, इसलिए अब तुम घर लौट चलो, क्योंकि मैं सचमुच भरत के स्वभाव को नहीं जान पाई। अब देखिए कैकेयी शपथ लेती है, कसम खाकर कहती है कि भरत का कोई दोष नहीं है, भरत निर्दोष है। मैंने स्वयं ये षड्यंत्र या प्रपंच किया, यह वरदान मांगने का जो पूरा नाटक था ये मैंने किया है, भरत का इसमें तनिक भी कोई दोष नहीं। ना तो मुझसे भरत ने कभी ऐसा कुछ कहा, ना मैंने भरत से सलाह ली। और एक चीज़ जान लीजिए कि जब व्यक्ति कोई चीज़ कसम खाकर विश्वास दिलाता है तो प्रायः लोग शक करने लगते हैं कि कोई समस्या है, ठीक है। कहते हैं जब लोग कोई कसम खाता है तो व्यक्ति संदेह करते हैं कि क्या समस्या है, क्यों कसम खा रहे हैं, ऐसे नहीं मान सकते। तो यही कहती है दुर्बलता का भी चिन्ह विशेष शपथ है। शपथ लेना, कसम खाना कमजोरी का प्रतीक है। जो दुर्बल होता है, जिसे अपने आप पर विश्वास नहीं होता, उन्हें कसम खाकर दूसरों को यकीन दिलाता है। कहते हैं पर अगला जन के लिए कौन सा पथ है, कहते हैं लेकिन निर्बल स्त्रियों के लिए भला दूसरा और कौन सा मार्ग है, क्योंकि निर्बल असहाय स्त्री जो है वो युद्ध करके किसी को धमका कर डरा कर तो विश्वास दिलाएगी नहीं, वो तो कसम ही खा सकती है, कभी पुत्र की कभी पिता की जो भी हो। तो कहते हैं कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, शपथ लेना दुर्बलता का कमजोरी का चिन्ह है प्रतीक है। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, लेकिन अबला स्त्रियों के लिए असहाय नारियों के लिए इसके दूसरा कौन सा मार्ग है। कहती हैं यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी हूँ। कहती हैं यदि मुझे भरत ने उकसाया हो, कसम खाकर कह रहे शपथ लेती है, यदि मैं शपथ लेती हूँ कि यदि इस षड्यंत्र में तनिक भी मुझे भरत से या भरत ने मुझे जरा सा भी उकसाया हो तो जैसे मेरे पति की मृत्यु हुई ऐसे
अनुसार यदि उसमें मेरी बातों में कुछ भी अच्छी बात लगे आपको, कोई भी तथ्य की बात लगे, कोई भी तर्क की बात लगे, उसे सब चुन लो तो आप लोग उसे ही स्वीकार कीजिए। देखिए अभी तक तो उन्होंने अपनी कोई सफाई किसी को दी नहीं थी कि मैंने क्यों ऐसा किया, तो अब वही सफाई देने जा रहे हैं। तो कहिए आप लोग जरा सुनिए मेरी बात, आप लोग चुप होकर मेरी बात सुनिए, और अगर मेरी बात में तनिक भी सत्य है, तनिक भी तथ्य है, कोई तर्क है, सार है, भाव है, तो उसे सुनिए, उसे ग्रहण कीजिए और फिर बताइए मेरा क्या दोष है। कहते हैं करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊँ, मैंने इतना बड़ा पर्वत जैसा विशाल पाप कि अपने ही पति की मृत्यु का कारण बन गई। जहाँ एक स्त्री हर प्रकार से यही प्रयास करती है कि उसका पति दीर्घायु हो, जहाँ एक स्त्री हर प्रकार से अपने पुत्र के प्रति स्नेह रखती है और उसके उससे लगाव रखने का ही प्रयास करती है, उसके कल्याण का मार्ग चुनती है, वहीं कहीं कहीं ने अज्ञानतावश अपने पुत्र के लिए ऐसा कुछ चुनाव कर लिया कि पुत्र ने माता को भी माता मानने से मना कर दिया, त्याग करने को तैयार हो गया है। तो कहीं कहीं कहती हैं करके पहाड़ सा पाप, ये पर्वत जैसा विशाल पाप करके मौन रह जाऊँ, मैं चुप रहूँ, रत्ती भर में अनुताप न करने को, मैं थोड़ा सा भी पश्चाताप न करूँ, ये कैसे हो सकता है। इसलिए कृपया आप लोग चुप होकर मेरी बात को सुनिए। देखिए यहाँ तक कहते हैं करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊँ, मैं पर्वत जैसा मैं बड़ा पाप करके मैं चुप रहूँ, रत्ती भर भी अनुताप न करूँ, थोड़ा सा भी मैं पश्चाताप न करूँ, ऐसा नहीं है, मुझे पश्चाताप करने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मेरी बात को सुनिए। अब देखिए उस समय फिर ऐसा लग रहा है कहीं कहीं के पश्चाताप भरे बातों को सुनकर कि वो आकाश में जो तारे देवताओं की आंखों की तरह टिमटिमा रहे थे, लगता है वो भी रोने लगे, ओस पड़ने लगी है ना, धीरे धीरे उसकी बूंदें भरती हैं, आ जाते हैं हल्की सी ओस, को लगता है कि तारे पूरी रात वो पर्वत वो जंगल सब रो पड़े हैं। कहीं कहीं के पश्चाताप को सुनकर देखिए कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी कि थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, उस समय थी स नक्षत्र तारों से युक्त है, तारे उगे हुए हैं, शशि निशा चांदनी रात तारों से युक्त चांदनी रात थी, ओस टपकाती और ओस पड़ रही थी, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, नीरव सभा यानी बिल्कुल शांत बैठी हुई वो सभा, नीरव जिसमें तनिक भी रव ना हो वही नीरव है, रव का अर्थ होता है आवाज, ठीक है, और नीरव ठीक है, नीरव का अर्थ है शांत, पूरी सभा बिल्कुल शांत थी, सभी लोग और कैसे रो रहे हैं, सभी लोग मन में किस तरह दुख कर रहे हैं, हृदय थपकाती मन ही मन, सभी लोग मन ही मन बड़े पीड़ित हैं, रो रहे हैं कई कई के इस पश्चाताप भरे बातों को सुनकर, भरत के पश्चाताप युक्त बातें सुनकर लोग विलाप करते हैं, मन ही मन रो रहे हैं, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है, इतने भावुक हो गए हैं सब। तो मैत्री शरण जी लिखते हैं कि थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रात जो तारों और चंद्रमा की चांदनी से युक्त थी वो ओस बरसा रही थी, ओस बरस रही ओस पड़ रही है, और रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, वो शांत बैठी हुई सभा मन ही मन रो रही है, सभी लोग विलाप कर रहे हैं। अब देखिए कई कई अकेली उस सभा को संबोधित कर रही है, तो जैसे तारों और चंद्रमा के होते हुए आकाश में आप देखिए कभी कोई उल्का छूटती है, उल्का पिंड टूट करके निकलता है तो जोर से प्रकाश हो जाता है, अचानक आदमी का ध्यान उस पर पहुंच जाता है, तो ऐसे ही कई कई के बारे में कह रहे उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, जिस तरफ आकाश में आपने देखा होगा उल्का बड़ी तेजी से ऐसे निकल जाता है, उधर बहुत जोर से प्रकाश होता है, तो ऐसे ही कई कई भी जिस तरफ बैठी है सबका ध्यान उसी की तरफ है, तो उल्का सी उल्का के समान उल्का पिंड के समान, देखिए उपमा अलंकार में सासी से आएगा तो उपमा आता है, ऐसा उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी रानी कही गई उल्का पिंड के समान दिशाएं प्रकाशमान कर रही है उस दिशा को जिधर बैठी हुई है, और सब में भय विस्मय और खेद भरती थी, उनकी बातों को सुनकर सभी के मन में कहीं ना कहीं कुछ भय भी है, आश्चर्य भी है और खेद रानी भी भर रही है, अपनी बातों से भय इसलिए है लोग सोच रहे हैं अब क्या होगा, कहीं कहीं भी क्षमा मांग रही, भरत भी क्षमा मांग रही है, अब भय देवताओं को लग रहा है, देवता लोग भयभीत हैं कि कहीं राम लौट न जाए, कहीं कहीं भी
घबरा जाए कैकेयी की बातें सुनकर। सभासद आश्चर्यचकित हैं, विस्मित हैं और स्वयं कैकेयी भरत ये सब खेत में रानी से उत्पीड़ित हैं। ठीक है, कहते हैं कि उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। रानी कैकेयी उसी प्रकार से उस दिशा को दीप्त कर रही थी, प्रकाशित मानो प्रकाशित कर रही है, जैसे उल्का पिंड टूट करके किसी दिशा को आलोकित कर देता है। यानी कि जैसे उल्का पिंड के टूटने पर लोगों का ध्यान, लोगों का ध्यान आकाश की दिशा में जाता है जहाँ से उल्का टूटी है, तो वैसे ही सभी लोग कैकेयी की ओर देख रहे हैं। आप सीधे लिखेंगे कि सभी लोग ध्यान से कैकेयी को उसी तरह देख रहे हैं जैसे उल्का के टूटने पर आकाश में जब प्रकाश होता है तो लोगों का ध्यान जाता है। और कैकेयी की बातें सुनकर सभी के मन में आश्चर्य, डर और ग्लानि का अनुभव हो रहा है। कैकेयी कहती हैं कि जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, नहीं ये अगली लाइन है, कहते क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सकता न निज विश्वास। कहते भला मंथरा दासी की क्या क्षमता थी कि वो मुझे बहका सकती थी, मुझे वरदान मांगने के लिए प्रेरित कर। मंथरा एक दासी, एक अपड़ अशिक्षित गवां जो नौकरानी का काम कर रही है, घायल है, उसकी कितनी हैसियत, वो रानी को समझा देगी, रानी की बुद्धि बदल देगी, ऐसा कभी हो सकता है। तो मेरा ही मन रह सका न निज विश्वास। कैकेयी कहती है दरअसल मंथरा का दोष नहीं, दोष मेरा है, मेरा अपना मन ही विश्वास नहीं कर रहा था, मेरे मन में ही खोट था, इसीलिए मैंने राम के बदले भरत का राज्याभिषेक मांगा था। कहती हैं कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, भला मंथरा दासी मेरा क्या, मुझे क्या बहका सकती थी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी, मेरा अपना मन ही विश्वास नहीं कर रहा था, मेरे मन में ही भरोसा, मन को ही भरोसा नहीं था। अब मन में पछतावा हो रहा है, हृदय में ग्लानि का अनुभव कर रही है, अंतर मन जिसको कहते हैं। तो कहते हैं जल बंजर गत अब अरे अधीर अब आगे, कोई ज्वलित भाव के स्वयं तुझी में जागे। कैकेयी कहती हैं कि हे मेरे मन, अब इस शरीर में रहकर तू केवल पश्चाताप की आग में जलता रहेगा। देखिए हम लोग ये कह रहे थे कि वो अपने मन को समझाते हुए कैकेयी कह रही है कि हे मेरे मन, अब इस शरीर के पिंजरे में, देखिए पंजरगत शब्द आया है, ठीक है, कहते हैं जल पंजरगत, पंजर माने हमारा शरीर, ठीक है, पंजर का अर्थ है शरीर और गत माने भीतर। अब कहते हैं हे मेरे मन, अब इस शरीर के भीतर ही पश्चाताप की आग में तू जल, पछताना ही तेरा प्रायश्चित है, क्योंकि वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। हे मन, वो ज्वलित भाव जिन्होंने अयोध्या को उजाड़ बना दिया वो तुझ में ही जगे थे, मेरे मन में ही जगे थे, इसलिए मेरा दंड यही है कि अब मुझे पश्चाताप करने दिया जाए। ठीक है, कहती हैं कि जल पंजर गत अब अरे अधीर भागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। हे मेरे मन, अब तुम जल पश्चाताप की आग में, क्योंकि ये ज्वलित भाव जिन्होंने सब कुछ बिगाड़ दिया ये स्वयं तुझ में ही जगे थे, यही मेरा दंड है। लेकिन आगे कहती हैं कि क्या मेरे मन में ये ज्वलित भाव, ये षड्यंत्र नहीं था, कहीं ना कहीं मेरी ममता मेरा पुत्र मोहित तो था। ठीक है, कहती है पर था क्या केवल ज्वलित भाव ही मन में, किंतु क्या मेरे मन में केवल ज्वलित भाव, केवल षड्यंत्र की ही भावना थी, ईर्ष्या ही बस गई थी, क्या शेष बचा था कुछ ना और इस जन्म में, क्या इस जन्म में, यानी अपने आप को कहते हैं क्या और मेरे मन में कुछ और भाव नहीं था। हाँ, तो यही है कि था, अपने पुत्र का भारी चाहा ना। कहते हैं कि क्या ज्वलित भाव भी थे मेरे मन में, क्या मेरे मन में केवल ये ज्वलित भावनाएं थी, ये षड्यंत्रकारी विचार ही थे, क्या शेष बचा था कुछ ना और इस जन्म में, क्या मेरे मन में और कुछ शेष नहीं बचा हुआ था। फिर आगे देखे, कहते हैं कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। कहते हे वात्सल्य, वात्सल्य ममता, कहते हैं मेरी ममता का क्या कोई मोल नहीं है, मैंने अपने पुत्र मोह में ये सब किया तो क्या मेरी ममता का कोई मोल नहीं है, लोग मुझे बहुत धिक्कार रहे हैं। कहते हैं आगे पढ़ेंगे हम लोग, कहते हैं लोग मुझे भले ही धिक्कार हैं लेकिन मेरी ममता का तो सम्मान करें, ममता में मैंने आकर ऐसा किया इसलिए मुझे क्षमा किया जाए। ठीक है, देखिए कहते हैं कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। कहते हैं हे वात्सल्य, हे माँ की ममता, क्या तेरा कोई मोल नहीं है,
ही मेरा पुत्र पराया हो गया, अन्य सा पराए के समान हो गया है, उसी ने मुझे त्याग दिया है, माता कहने से मना कर दिया है। ऐसी भावनाएं लेकर कई कई पश्चाताप कर रही हैं, कहती हैं प्रभु ही पर आज अन्य सा हुआ पुत्र भी मेरा, पर आज मेरा अपना पुत्र भी पराए जैसा हो गया है, मैं अब क्या करूँ। आगे कही गई और भी पश्चाताप करती है। अभी इस पाठ में हम लोग दो पार्ट करके पढ़ेंगे, ठीक है, और इसको समाप्त कर देंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, जहाँ भी समस्या होगी पूछिएगा। विद्यालय सोमवार से खुल रहा है तो ये अच्छी बात है, आनंद का विषय है। आप लोग आएंगे, सूचना आप लोगों को भेज दी गई है, जैसे कि सुबह यानी कि पूर्वान में 12:30 से आप लोगों की क्लास चलने वाली है, 12:20 से दोपहर के, और 2:50 यानी कि 3 बजे तक आपकी कक्षाएँ चलेंगी। अब इसमें मास्क लगाकर